देखो आज हमारो दुबई वालों दोस्त हमसे मिलन आ रहो है, तहजीब से रहियो उनके सामने और हमसे ऊंची आवाज में बात ना करियो, कान खोल के सुन ले, कान साफ ना हो तो साफ करिया बो जाए के। कान साफ है हमारे, तुम्हारी तरह मैलुआ नहीं है समझे, और दोस्ती यारी बपदारी बाहर रखा करे, दोस्तन का घर में घुसड़न की जरूरत नहीं है, दोस्त आओ फिर उन्हें नाश्ता पानी ठुसवा दो। अरे मेरी भाग्यवती, हम हाथ जोड़ रहे तुम्हारे आगे, पैर जोड़ रहे, आज मान जाओ, आज तो मुंह बंद रखो, इज्जत बचाई लो हमारी। शेख है हमारो दोस्त, कितो पैसा वालो है जानते हो? नहीं हमें नहीं जानने कितो पैसा वालो हुई, पैसा वालो हुई अपने घर के लिए हुई, हटो हम जा रहे। अस्सलाम वालेकुम अल हबीबी वल्ला वल्ला। अरे शेख साहब आएंगे, बैठो बैठो, कोई खुजली तो नहीं भाई उनमें? खुजली ये क्या होती, मतलब कोई परेशानी तो नहीं भाई उनमें? वल्ला वल्ला कोई परेशानी नहीं होती, इंडिया हमको बहुत प्यारी लगती, माशा अल्लाह वल्ला वल्ला। देखो शेख साहब, तुम हमारे घरे आए हो तो सबसे पहले एक इंडियन गाना सुनाओ। तुम गाना तेज बजाती तभी हम सुनती, वरना नहीं सुनती अल हबीबी। यार लेकिन हमारे मोबाइल की साबुनदानी बहुत छोटी है, तेज तो बजना ही पड़ी। यार तुम लोग पक्के चूतिया हो का? तुम काया खड़े अब यहाँ, चलो बाहर कंचा खेलो चल के। अरे हम कंचा छोड़ी काए हैं, इन्हें देखन जयकाउन है, घूंघट का एक ले डाले। सारे जय शेख है हमारे दोस्त है, देखन आएगे ऐसो लगा जैसे बौरे गांव में ऊँट आए गो हो। और का जय ऊँट आए तो है, रेगिस्तान में तो रहा था। देखी हमारा नाम ऊँट नहीं होती, हमारा नाम होती शेख इलबिला कुलतूस, इल्ली बिल्ली गुलगुलूस, खा थू मनहूस। चलो अच्छा अब तुम यहाँ से कल्टी मारो, बहुत बत्ती आ चुके। अरे रुका होता हूँ, पहली बार बाउरे गांव में ऊँट आओ है, मजा तो ले लें दो, मजा तो ले ले सही। वल्ला वल्ला ये क्या कहती, हमसे मजा लेती हम तो कोई मजा नहीं देती। अच्छा मैंगो शेख, सॉरी शेख साहब। का पंचायत चल रही है? अरे भाभी जी भैया हम तो चले भागो। और लोगन का बुलाई लो, घर में घुसेड़ लो, मुसाफिर खाना कभी घर का बनाए रखो है। नमस्ते भाभी जी। पुष्पा बहुत गुस्सा में लग रही हो, अच्छा रसोई में गर्मी लग रही हुई, दिमाग में गर्मी चढ़ी गई। अच्छा तुम्हारे ऊपर तो जैसे बर्फ बरस रही है, मुंह मत खुलवाओ मेरे बताए रहे। वल्ला ये क्या कहती, भाभी जी तो बड़ी खतरनाक लगती, माशा अल्लाह। कहाँ खतरनाक है, खतरनाक होती तो डाकू बनी गई होती। अच्छा भूली गए वो दिन जिस दिन हमने तुम्हें चरपैया में बांध के पूरे 5 घंटा सुताई करी रहे और 4 घंटा तुम बैठ के रोए रहो, याद कराओ? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जन्बी बातुबे अलैहि। ये क्या कहती, आपकी बीबी तो माशा अल्लाह काफी तेज लगती, इतनी तेज तो मेरी कोई भी बीबी नहीं होती। अरे भैया जय इंडियन नारी है, दुनिया में अकेली इंडिया में पाई जाती है, इनसे जीतना मुश्किल है ना, नामुमकिन है। तुम्हारी कितनी बीबी है? माशा अल्लाह हमारी 6 बीबी होती। 6 बीबी? इतनी बीबियों को का अचार डाला था? अरे तुम जाओ नाश्ता लेके आबो जाएगे। हम नाश्ता उस्ता ना बनाए पही, हमारे हो रही कमर में दर्द, खाना बनी सीधे खाना ठुसियो। अच्छा तो हम चलती खाना लौट के आके खाती अल हबीबी। अरे रुको दोस्त अल हबीबी, अरे जान दो ना, काहे उनके पिंड पिया से हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, कोई मेहमान आओ है उनके सामने ऐसे बोलो जाते, ऐसे टेवर दिखाए जाते। अबे तुम्हारे भैया बहनी अम्मा बाप आई जाए तो तुम उन्हें निवाला मुंह में ठुसवा उठाओ। हमारो दोस्त आएगो तो तुम्हें बात दर्द हुई रो है, कोई इतनी दूर से आओ है उनकी तो इज्जत कर लो।
सॉरी माफ कर देओ, अब ऐसो नाई करी कबू। ठीक है जाओ, अब खाना बनाबो जाई के। हम हबीबी का फोन करके बुला उठाए और खाना ऐसो बनाइयो कि उन्हें ऐसो खाना कबू खाओ ना होए। अब देखो तुम कैसो खाना बनाओ थे, उंगली ना चाटन लगे तो कह दियो, इंडियन नारी की पावर देखो अब तुम।